वेलकम बैक टू माय चैनल जैस्मी किचन एंड ब्लॉग्स। तो चलिए हम आज अपने किचन में बनाते हैं गोभी के पकौड़े। जी हाँ, ये देखने में आपको सिंपल लगता होगा पर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं सर्व की हूँ रेड चटनी के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपीज गोभी के पकौड़े। गोभी के पकौड़े तो हम सभी कभी ना कभी घर में बनाते हैं। ये जो रेसिपीज है जो बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट टेस्ट होती है। इसे छानकर मैं एक बॉल में ले ली हूँ और गोभी के जो फूल हैं उसे तोड़कर मैं छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर ली हूँ। और इंग्रेडिएंट्स में साथ में मैं वन बॉल बेसन ली हूँ, साथ में हाफ बॉल राइस फ्लोर है कुरकुरे करने के लिए, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट है, जीरा, ब्लैक पेपर, हल्दी, गरम मसाला एंड सॉल्ट है। तो चलिए हम घोल बनाने के लिए एक बॉल लेते हैं और बॉल में एक कप बेसन डालते हैं। बेसन की क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकती हैं, आप अपने हिसाब से आपकी जितनी गोभी की क्वांटिटी। साथ में हम ऐड करते हैं हाफ बॉल राइस फ्लोर, जो पकौड़ों को बहुत ही क्रिस्पी बना देगा, और साथ में जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। एंड इसके साथ मैं ऐड करूंगी सॉल्ट एज पर टेस्ट। मैं हाफ टेबल स्पून ली हूँ, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से लें। हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, 2 पिंच ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और इन सारे मसालों को इस बेसन और चावल के आटे के साथ मैं मिक्स करती हूँ और पानी की हेल्प से मैं इसे अच्छे से एक घोल तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो घोल है बहुत ही अच्छा परफेक्ट बनकर तैयार है, चटनी पकौड़े के लिए चाहिए। और अब इस तैयार किए हुए घोल में मैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज करूँगी, जिससे कि हमारे पकौड़े अंदर से बहुत ही हल्के बनेंगे, हैवी नहीं बनेंगे। तो घोल हमारा तैयार है, तो चलिए अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो अब इस घोल में हम इन गोभी के पीसेज को डिप करेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे इसे हम चारों तरफ से। वो चलिए कोट मैं कर ली हूँ। और अब हमारा तेल जो है वो गर्म है, क्योंकि मैं एक तरफ कढ़ाई में तेल को भी गर्म कर ली थी। तो ये देखिए 1 बाय 1 मैं इस तरह से डिप करके गोभी के पीसेज को इसमें डालूंगी। इस तरह से मैं एक बार में 7 to 8 पीसेस इसमें डालती हूँ। इसे डालने के बाद तकरीबन मैं 2 to 3 मिनट इसमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। उसके बाद इसे मैं 1 बाय 1 टर्न ओवर कर दूंगी। तो इस तरह देखिए एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम दूसरी तरफ से भी 2 to 3 मिनट कुक कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर ले आएंगे, जिससे कि हमारी जो गोभी है अच्छे से पक जाए। वैसे भी गोभी को मैं पहले ही बॉईल कर ली थी तो इसे इस तरह पकने में आसानी होगी। ये देखिए टर्नओवर करने के बाद ये हमारे गोभी जो है दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर एंड टेक्सचर आया है। तो इसे मैं एक टिश्यू पेपर डालकर प्लेट में निकाल लेती हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा के ऑयल है वो हमारे टिश्यू पेपर पे आ जाए। तो फ्रेंड्स हमारे गोभी के पकौड़े बनकर तैयार हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।